कमी बोलेंगे तो ज्यादा रहने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, निकाल दे रहे जिधर जाओ उधर से निकाल दे रहे कि इधर यानी बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं, नहीं व्यवस्था नहीं बाहर के लोगों के लिए व्यवस्था ही नहीं है। गरीब पूना से आई हूँ, पूना से आई। तो आपको कैसे जानकारी हुआ कि जबलपुर पनागर में कथा चला? मोबाइल पे देखा, मोबाइल पे सुना है वो, और मोबाइल में से सुन के मैं इधर आई हूँ। आपकी अर्जी लगी हुई या फिर आप ऐसे ही? नहीं अभी कुछ ही लगा नहीं, मेरा अर्जी हो गया, मैं पहली बार आई हूँ अभी तक। तो आपको यहाँ व्यवस्थाओं में कुछ कमी देखी है क्या? कमी बोलेंगे तो ज़्यादा रहने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, निकाल दे रहे जिधर जाओ उधर से निकाल दे रहे कि इधर। यानी बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं? नहीं व्यवस्था नहीं बाहर के लोगों के लिए व्यवस्था ही नहीं है। तो क्या करेंगे? बागेश्वर धाम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बागेश्वर धाम में गए नहीं ना अभी, इधर तो गए नहीं हम बागेश्वर, यहाँ पे बागेश्वर धाम आप एक भी बार नहीं हो? नहीं गए अभी, इधर ही पहली बार आई। अच्छा कथा में आप पहली बार ही? पहली बार। तो आपको इधर कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं कुछ। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? नहीं खाने का बोल रहे भंडाल में आए हम, देखकर आगे उधर है खाने का, लेकिन सोने के लिए रात को सोने के लिए सुबह नहाने कपड़ा धोने के लिए कुछ भी, तो वैसे लेडीज है ना, लेडीज की थोड़ी सोई होना मांगता है ना। भाड़ा बोलेगे तो भाड़े से बोलेगे तो 500 रुपये, एक आदमी का 500 रुपये हम दे नहीं सकते गरीब लोग, एक का। जो गुरु जी कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मतलब ये किस प्रकार बन सकता है, आपकी क्या राय, आप अपनी तरह से राय रख सकती हैं? नहीं उन्होंने बोला है कि व्यवस्था सब होगी इधर, खाने की रहने की सब होगी, तो वो तो कुछ रहने का कुछ ही नहीं ना, सोए नहीं ना मत। भारत हिंदू राष्ट्र किस प्रकार बन सकता है जो गुरु जी बोलते हैं भारत हिंदू राष्ट्र? वो तो मेरे को नहीं समझ, जो बोलते हैं ना कथाओं में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हाँ। किस प्रकार बनेगा तो मेरे को पता नहीं ना, बोलते नहीं आएगा वो क्या बोलने का वैसा, हाँ नॉलेज नहीं। देखिए हम 70 साल के बूढ़े हैं तो हमको थोड़ा भी तो व्यवस्था मांगता है ना सोने के लिए, रात को दिन को नहीं मिला तो ठीक है दिन में कथा में टाइम पास हो जाएगा हमारा, लेकिन रात को तो थोड़ा सोने को जगह मिलना चाहिए ना। पानी आए बारिश आएगा तो इधर किधर रुकेगी हम, है ना, तो थोड़ा भी तो व्यवस्था करा हमारे लोग, जो जो बाहर गाँव से आए उनको से तो करना मांगता है। देखा गाइस भक्तों ने क्या खा, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, पूरा पंडाल खा लिया है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है पंडाल में, किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। आप मैंने आपको भक्तों का इंटरव्यू ले ही लिया, उन्होंने का क्या कहना है, और देख सकते हो उनको पंडाल में से मतलब जाने को कह दिया, और देख सकते हो पंडाल में कोई भी नहीं है, और गाइस यहाँ पर रुकने ही नहीं दिया जा रहा है, और बाहर कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो अपनी व्यवस्था से ही आएँ, अपना रूम लें, और खाने की व्यवस्था सिर्फ है, और पंडाल में रुकने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हो पंडाल में कोई भी श्रद्धालु रुकने की व्यवस्था नहीं है, आपको दूर दूर तक कोई श्रद्धालु नहीं दिखेगा, सिर्फ कर्मचारी दिखेंगे आपको जहाँ भी दिख रहे हैं। पूरा पंडाल खाली है, आप लोग देख लीजिए रात का दृश्य, आपको आगे का दृश्य दिख देता हूँ, और इधर देख सकते हो कर्मचारी बिल्कुल अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं किसी को भी, ये कर्मचारी है और किसी को अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं ये, और देख सकते हो पूरा पंडाल जो है खाली है। देख सकते हो यहाँ पर जो है रात में रामलीला भी होती है, और यहाँ पर देख सकते हो कुर्सी वगैरह लगा दी गई है लाइन बाई लाइन, और यहाँ पर जो है जो रामलीला होगी, और यहाँ पर श्रद्धालु बैठ कर रामलीला का आनंद लेंगे, और देख सकते हो रामलीला कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होने वाली है, अभी तो बहुत ही कम श्रद्धालु आए हैं अभी तो, देख सकते हो भाई। गाइस देख सकते हो पूरा पंडाल खाली डला हुआ है, यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है, आप भी आना चाहते हैं तो सतर्क रहें, पंडाल में किसी को रुकने की व्यवस्था नहीं है। ये बैरियर लगा दिए गए हैं, मैं देख सकते हो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसके अंदर जाना नामुमकिन है, और सेवादार लगी हुई है वहाँ पर जाने ही नहीं दे रहे किसी को, इस तो अपना ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा से ही आएँ और अपनी व्यवस्था से ही आएँ। मैंने आपको जानकारी दे दी,
आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ चुकी होगी। और देख लीजिए पंडाल का चारों तरफ का दृश्य।